हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनप्रीत सिंगल। सो नाउ अब हम बात करेंगे इस वीडियो में, हमारा जो कंसेप्ट ये जीआरपी चल रहा है उसमें कैसे हम अनइक्वल लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि ये नेटवर्किंग 786 माई यूट्यूब चैनल, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। और साथ के साथ ये मेरा नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCNA एंड CCNP FP फेज है, तो प्लीज़ आप इसे भी सब्सक्राइब करें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग कैसे परफॉर्म होती है ऑन द AIGRP। तो AIGRP में तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक टेबल के ऊपर। तो जैसे ये वाला टेबल दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि एक राउटर 4 है, तो राउटर 4 के पहुंचने के लिए 3 राउटर है, एक R1 R2 R3। तो जो R2 R1 है उसका जो सबनेट के पहुंचने की जो मैट्रिक्स है वो है 30, R2 की है 40 और R3 की है 60। ठीक है, तो जब R4 पे पहुंचता है तो उसकी मैट्रिक्स हो जाती है 50, R2 जब पहुंचता है तो 90 और जब R3 पहुंचता है तो उसकी मैट्रिक्स हो जाती है 120। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ये वाली चीज़ को हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल फिजिबल डिस्टेंस। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 50, 19, 120, तो जिसकी वैल्यू कम है वो हमारा बेस्ट पास चूज करते हैं हम उसे, तो वो हमारा किस में चला जाता है ऑन द राउटिंग टेबल। तो इसको बोलते हैं हम सक्सेसर। तो ये वाला रूट हमारा बन गया सक्सेसर। ओके, तो अब हमने किस चीज को, हमने फिजिबल सक्सेसर देखना है कौन सा है। तो फिजिबल सक्सेसर कैसे बनता है, उसके लिए एक कंडीशन होती है कि जो रिपोर्टेड डिस्टेंस होता है वो हमारा लेस देन होना चाहिए किससे, फिजिबल डिस्टेंस से। तो जैसे यहाँ पे अब 50 है और यहाँ पे 40 है, ठीक है, तो मतलब ये हमारा फिजिबल सक्सेसर बनेगा। तो जैसे हम नेक्स्ट मान ले ये 50 है, ये 60 है, तो ये तो ज्यादा हो गया ना, RD रिपोर्टेड डिस्टेंस फिजिबल डिस्टेंस से ज्यादा हो गया, तो ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा हमारे एनवायरमेंट में। तो यहाँ पे इसका जो FD है वो है 50, इसकी RD है 40, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी अप्लाई होती है, तो इसीलिए ये वाला बन जाएगा हमारा फिजिबल सक्सेसर। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हम जो फिजिबल सक्सेसर हमारा रूट बना है, हम इसको एंटर करवाना चाहते हैं ऑन द राउटिंग टेबल। ठीक है, तो अब वो कैसे होता है, वो थ्रू वेरियंस। वेरियंस का क्या मतलब होता है, बाय डिफॉल्ट वेरियंस की वैल्यू 1 होती है, अंडरस्टैंड, जो वेरियंस की वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो हम क्या करते हैं उसका, हम वो वेरियंस की वैल्यू को जो हमारा फिजिबल डिस्टेंस सक्सेसर का जो फिजिबल डिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसकी वैल्यू को। जैसे यहाँ पे वेरियंस की वैल्यू 1 होती है, तो इसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन की तो ये बन गई 50 × 150। ओके, तो ये तो हमारे यहाँ से जो ये सेकेंड वाली मैट्रिक्स है इसकी FD है सक्सेसर की, हमारे फिजिबल सक्सेसर की, तो फिजिबल डिस्टेंस जो इसका है तो वो तो इससे कम है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके जो वेरियंस है इसको 50 को वेरियंस मल्टीप्लिकेशन बाय वेरियंस कर देंगे, वेरियंस की वैल्यू को 2 कर देंगे यहाँ पे। तो जब ये 2 होगी तो इसकी वैल्यू 100 बन जाएगी। तो अब देखो ये 19 है और यहाँ पे 100 बन जाएगी, तो मतलब ये वाला पाथ हमारा चला जाएगा ऑन द राउटिंग टेबल। बट ये हम देखें कि ये 120 और 60, हम यहाँ पे मान लो 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने 50 को, वेरियंस 3 के साथ, तो ये बन गया 150, मतलब ये वाला रूट इसमें एंट्री करेगा ऑन द राउटिंग टेबल, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि राउटिंग टेबल में ऑलवेज दिमाग में रखना है जो फिजिबल सक्सेसर है वो ही एंट्री कर सकता है, क्योंकि ये वाला तो हमारा फिजिबल सक्सेसर बना ही नहीं है रूट। ठीक है, ये तो टिपोलॉजी टेबल में है ही नहीं, टिपोलॉजी टेबल में कौन सा रूट है, सेकंड वाला R2 वाला, मतलब ये वाला ही राउटर हमारा इसमें राउटिंग टेबल में एंट्री कर जाएगा। तो ये कैसे होती है, इसके लिए हम चलते हैं एक हमारा जो GNS3 पे सिनारियो बना है उसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं वो सेम ही सिनारियो, यहाँ पे सबसे मैंने जस्ट
यहाँ पे बैंडविड्थ मेंशन की है, तो उस सबसे पहले मैं राउटर के ऊपर आपको लेके चलता हूँ, राउटर R1 के ऊपर। तो यहाँ पे मैं शो आईपी रूट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, ये इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो रही है। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का मतलब कि मेरे को इस पाथ पे पहुंचने के लिए R1 के पास दो पाथ है, तो दोनों से ही जो वैल्यू हो वो उनको कॉस्ट सेम पड़ रही है मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अनइक्वल लोड बैलेंसिंग, तो वो उसके लिए मैं सबसे पहले बैंडविड्थ सेट करूंगा ऑन द इंटरफेस। तो कॉन्फिग टी, सबसे पहले मैं इंटरफेस में जाऊंगा और इंटरफेस में जाऊंगा serial1/1 में, और यहाँ पे जाके एक कमांड टाइप करूंगा बैंडविड्थ 128। मान लो इसकी मैंने बैंडविड्थ 128 सेट कर दी, और यहाँ पे एक्सिट लिखूंगा, और यहाँ पे भी जाऊंगा, और ये वाला इंटरफेस हमारा 1.interface serial1/0, और यहाँ पे मैं बैंडविड्थ सेंड कर दूंगा यहाँ पे 64 और एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। तो सेम इस राउटर पे होगा, ठीक है। तो मान लो मैंने एक ही राउटर पे यहाँ पे कर दी क्योंकि दोनों का सेम ही। तो अब देखो, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वेरियंस चलाना है। तो वेरियंस चलाने के लिए मैं चलता हूँ राउटर 1 के ऊपर। तो राउटर 1 के मैंने यहाँ पे लिखूंगा कॉन्फिग टी, और यहाँ पे चलाऊंगा राउट। तो सबसे पहले मैं एक आपको शो कमांड कराना दिखाना चाहता हूँ, शो आईपी राउट, एंटर मारूंगा। तो ये देखो, मतलब जो ये वाला हमारा पाथ है, इसकी ये तो एडी होगी, ये हमारी मैट्रिक्स होगी जहाँ पे पहुंचने के लिए हमारे को कितनी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अब मैं एक चीज और आपको शो करना चाहता हूँ, शो आईपी EIGRP टिपोलॉजी, और एंटर मारूंगा। तो यहाँ पे देखो, मतलब ये इसकी जो वैल्यू है ये कम है, ये फिजिबल डिस्टेंस है हमारा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू ज्यादा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा फिजिबल, ये हमारा सक्सेसर रूट है, ये मतलब मेरा फिजिबल सक्सेसर है। मैं चाहता हूँ फिजिबल सक्सेसर हमारा राउटिंग टेबल में चला जाए, ये वाला रूट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो ये सक्सेसर का FD है इसको मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा वेरियंस से। तो इसकी वैल्यू मैं 2 कर दूंगा वेरियंस की, तो ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी, तो ये वाला रूट हमारा चला जाएगा ऑन द राउटिंग टेबल। तो ये कैसे जाएगा, उसके लिए मैं कॉन्फिग टी इंटरफेस serial1/1 सॉरी एक्सिट राउटर EIGRP में मैंने जाना है EIGRP 100। तो यहाँ पे मैं वेरियंस कमांड चलाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 2 और एंटर प्रेस कर दूंगा, साथ के साथ कंट्रोल जेड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, शो आईपी राउट, और मैं एंटर प्रेस किया, तो ये देखो मतलब अब हमारा वो वाला पाथ भी हमारा किस में चला गया, राउटिंग टेबल में। मैंने आपको पीछे दिखाया था जब मैंने इसकी नहीं की थी कॉन्फिगेशन, तो तब मैंने यहाँ पे आपको एक कमांड चला के, ये देखो यहाँ पे मैंने दिखाया था जहाँ पे कोई भी जस्ट एक रूट ही था उस पे पहुंचने के लिए। जब मैंने यहाँ पे वेरियंस को मल्टीप्लिकेशन 2 से किया, तो ये देखो जो हमारा फिजिबल सक्सेसर था ऑन टॉपोलॉजी टेबल, ठीक है, वो हमारी एंट्री किस में होगी, ऑन द राउटिंग टेबल। तो इस चीज को बोलते हम अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, ठीक है। तो अब ये मैं आपको एक और कमांड शो करूं, शो आईपी EIGRP टिपोलॉजी और एंटर प्रेस करूं, तो इस चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वह ये बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। जो हमारा टिपोलॉजी टेबल होगा वो बिल्कुल सेम होगा, तो जस्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, शो आईपी मतलब राउटिंग टेबल पे, ठीक है, जस्ट राउटिंग टेबल पे पड़ेगा। वो वाले जो फिजिबल हमारा सक्सेसर है, फिजिबल सक्सेसर है, उसको उठा के ऑन द राउटिंग टेबल सेंड करूंगा, ठीक है। तो मे बी यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।